समय मैं मुंबई के आजाद मैदान में हूं, जहां पे करीब 15,000 शेतकारी जो हैं वो नासिक से मुंबई आए हैं अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए। इस समय हमारे साथ मरियम दावड़े जी हैं, जो हमें बताएंगी कि ये शेतकारी लोग जो हैं ये क्यों आए हैं और क्या मांगे हैं इनकी। मरियम जी, हम लोग जो नासिक से आए हैं वो 21 जिलों से हैं। 21 जिलों से 15,000 से ज्यादा किसान यहाँ पर आए हैं, जिसमें अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना ने भी मोबिलाइज किया है और औरतें भी बहुत बड़े पैमाने पे है। खास तौर पे औरतें क्यों उतरी है, क्योंकि 70-80% जो खेती का काम है वो औरतें करती हैं, और अगर जमीन चली गई तो औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे पहले ये काला कानून लेना वापस लेना चाहिए ये सरकार ने, क्योंकि उस काले कानून से गरीबों की जमीन उनके हाथ से निकल जाएगी। ज्यादातर जो किसान है वो छोटे जमीन वाले हैं, तो सबसे पहले उनके ऊपर हमला होगा। दूसरी बात कि औरतों के नाम पर जमीन नहीं रहती, 12% औरतों के नाम पे ही जमीन है, तो इसलिए जो भी आज उनके हाथ में है उनके नाम पे ना हो फिर भी उसके ऊपर वो जिंदा है तो वो भी चला जाएगा। तीसरी बात, जो उनका उपज है उसको बिल्कुल दाम नहीं मिल रहा है, तो उपज जब होगा दाम नहीं मिलेगा तो कर्ज बाजारी ज्यादा बढ़ता है, उससे भी आत्महत्या। और अभी ये कोरोना के कार्यकाल में हर एक घर के अंदर औरतों ने कर्जा लिया। अभी जो किसानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं वो तीनों कानूनों के खिलाफ ये देश की जनता ने एक जंग छेड़ दी है, और इस जंग को अगर पास कराना है तो आम तौर पर निचले तबके के लोगों का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए आज देश आज से जो ये महाराष्ट्र में राजभवन को घेरने के तौर पर एक महापड़ाव का आंदोलन चालू हुआ, उसके लिए हम समर्थन में यहाँ आए हैं। हमारी खेती मतलब वन पटा है, लेकिन हमारे 5-10 साल हो गया, हमने फाइल बनाई है लेकिन हमको 7-12 नहीं मिला है, इसलिए हम इधर आए। तो अगर आपके पास 7-12 नहीं होता तो आपको क्या तकलीफ होती है? 7-12 नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे, मेरे बच्चे लोग क्या खाएगा, दूसरा हमारा उत्पन्न भी नहीं है ना, इसलिए हम इधर आए हैं। और वन विभाग वाले हमको मना करते हैं, वो पेड़ पर काट है, लकड़ी नहीं काटने का, राब नहीं बनाएगा, राब नहीं बनाए तो हमारे इधर धान नहीं उगता है। मेरे को तो जमीन है 9-10 एकड़ जमीन है मेरे पास, और उसका जो 7-12 मेरे को नहीं मिला है। इसके लिए आपको जैसे 7-12 नहीं मिला है, जब आप खेती करते हैं तो आपको खेती के लिए मना करते हैं वन विभाग, किस तरह की तकलीफ होती है आपको? हो जो हम इसके वन पट्टे में जो खेती करते हैं तो फॉरेस्ट खाते हमको मना कर करता है। सरकार ने 2004 में उसके ऊपर कानून बनाया था, हमारे ज़मीन पर कानून बनाया था, और 2008 में उसका वन पट्टा हमको मिला था, लेकिन वो बहुत कम है, तो ठीक है उसी जो जितना मिला था उसी के ऊपर हम खेती कर रहे थे, लेकिन अभी 2-3 सालों से उधर सरकार क्या बोलता है कि उधर खेती मत करो, खेती के अंदर मत जाओ, उधर तुम्हारा जो जानवर है मगर बैल और बकरी ऐसे जो हम उधर पशुपालन करते हैं तो ये भी उधर जाने नहीं देते। जो कानून पारित कर दिए हैं वो कानून से पहले ही किसान जो आसमानी संकट से बहुत मुसीबत में आ चुका है, जैसे हम मराठवाड़ा से बिलोंग करते हैं, जो मराठवाड़ा हर बार एक साल के बाद पूरे सूखे के अंदर रहता है, कभी सूखे के वजह से कभी ज़्यादा बारिश होने के वजह से किसान कभी ही फायदेमंद नहीं रहता,
जो पीक बीमा के बारे में भी किसानों को बहुत सारी मदद नहीं मिलती है। इसी हालत में जो कानून अभी पारित किए गए हैं, उसमें जो भी फसल अगर निकल गई तो उसे बेचने के लिए जो सरकारी दफ्तर थे या सरकारी मदद के ऊपर जो खरीदारी होती थी उसको बंद करने का जो षड्यंत्र इस कानून के अंदर रखा है, उसके खिलाफ हम सब किसान इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं।